बहुत ही मरे चूहे जैसी शक्ल हुई। अच्छा, मैंने ना ग्राउंड पे डिजाइनिंग के लिए पीवीसी टेप मंगवाई थी सिल्वर और गोल्डन कलर में, तो मेरी कैसी आई मैं वो भी दिखाऊंगी। टाइल पे भी लगा सकते हो आप इसको, जैसे यहाँ लगी हुई है आप टाकी भी लगा सकते हो। इसके अलावा ग्राउंड के दरमियान जिनके घर बन रहे हैं, ये न्यू चीज है, आप लोग ये भी करवाना चाहो तो ये भी करवा सकते हो, मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगी आपको। अर्मिश भी आ गई है, कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह। ये देखें, ये ना मैंने कॉटन बड लिया है ना, और इससे मैं इसको साफ कर रही हूँ करके, जो फॉइल थी ना वो सारी जल के ये देखें सारी अंदर घुस गई है। तो ओके भाई, तो हमारी फॉइल चढ़ गई है, अब मैं आलू के कटलेट्स बनाती हूँ फटाफट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के आई हूँ, ये ना बहुत ही मरे चूहे जैसी शक्ल हुई हुई थी, ये बीमार हो गया कल। मैं इसको व्लॉग में बोल रही थी ना, मेरे पास नहीं आओ, मुझे इन्फेक्शन हुआ है, आपको भी जाएगा। पर ये भाई साहब बोल रहे थे आपके पास ही सोना है, आपके पास ही सोना है, तो मेरे पास सोया और अब सुबह से इसको बुखार चढ़ा हुआ है। और अब मैं किचन में आई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि वकास साहब भी बीमार हो गए। मुझे पता था कि एक दिन खिदमत करेंगे मेरी और मुझे 5 दिन खिदमत करनी पड़ेगी उनकी। तो अभी मैं चूल्हा साफ करी, क्योंकि चूल्हा इतना कोई गंदा किया है वकास से, इतना कोई गंदा, दूध गिराया उस पर, चाय गिराई है उस पर, वो चूल्हा जलाते रहे, सब कुछ चिपक गया चूल्हे के ऊपर। चले मैं बेक के ऑन करती हूँ, दिखाती हूँ मैंने भी कटलेट्स बनाने हैं आलू के। ये देखें मैंने क्या किया, अब ना मेरे पास ये स्प्रेस हैं एस्टोनिश के, ना आप लोग पूछते रहते हो ना आप किससे साफ करती हैं, तो अभी आप यहाँ पर ना पिक्चर ले लेना इस, ये 375 समथिंग का आता है और काफ़ी बड़ा सारा साइज है, 6 महीने आराम से चल जाता है। देखिए इसमें चूल्हे की पिक्चर बनी हुई है, इससे ना ऐसे मेरे पास ऐसे छिड़क के इतना ये गंदा हुआ था, इतना गंदा मैं आपको क्या बताऊँ, ये ऐसे जम गया था इसके ऊपर, वो जो फॉइल थी ना वो सारी जल के ये देखें सारी अंदर घुस गई है। तो जल के सबसे पहले तो मैंने इसका बटन बंद किया है नीचे से, क्योंकि ये चूल्हा जो है ना वो इलेक्ट्रिक प्लस गैस है ना, अगर मैं इसका बटन बंद नहीं करूँगी तो करंट भी लग सकता है, क्योंकि ये वाली प्लेट इलेक्ट्रिक है। और अभी पानी स्प्रे कर रही हूँ, मतलब ये स्प्रे कर रही हूँ, तो मैंने ना पहले नीचे से बटन बंद किया, उसके बाद मैंने इसको साफ़ करना स्टार्ट किया है। तो मैंने पहले स्प्रे करके छोड़ दिया था, और ये देखें इसके हालत देखें, ये देखें इसकी हालत। अब मेरे से तो गंदा चूल्हे पे काम ही करने नहीं होता, कल तो मेरी मजबूरी थी, मैंने यखनी बनानी थी, वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके, क्योंकि अम्मी को मैंने फ़ोन किया था मेरी, तो मेरी अम्मी ने बोला कि थोड़ा सा बुखार उतरता है तो उठ के यखनी बना के पियो, फिर मैंने हिम्मत करके उठ के यखनी बनाई, क्योंकि वकास के बेचारे को ना यखनी नहीं बनानी आती, उन्होंने आलू उबाल दिए मेरे लिए, वो गनीमत, अंडे उबाल दिए, चाय बना दी, बड़ी बात है वो भी। लाइटें बंद ऑफ नहीं करो, अब बस मैं देखती हूँ चूल्हा कितना साफ हो गया जी। इतना गंदा किया है वकास ने चूल्हा, जिसकी इंतहा नहीं है। अभी मेरा शुक्र है बुखार उतरा है, लेकिन मेरा गला बिल्कुल बंद है, मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही। असल में ना वकास के अबू बीमार थे ना, तो वकास वहाँ गए तो वो बीमार हुए हैं पहले, तो फिर मैं उनके पास लेटी हूँ, तो मुझे अगले दिन गला ख़राब हो गया था मेरा, सिर्फ गला ख़राब हुआ था। और फिर जिस रात मैंने वो शैम्पू किया तो मेरा ब्लो ड्रायर नहीं मिल रहा था, तो मैं फिर ऐसे गीले वालों में फिरती रही, और बारिश भी हो रही थी बहुत शदीद वाली, तो मुझे उसके बाद इतना शदीद बुखार कहते हैं, तो मैं कभी इतना बुखार नहीं हुआ। मुँह देखना ना कैसा हो गया, मेरी आँखें बिल्कुल अंदर चली गई, अभी मैंने लिपस्टिक लगाई तो कुछ प्रेजेंटेबल लग रही हूँ, वरना इतनी बुरी लग रही थी मैं कि बस क्या बताऊँ मैं आपको क्या लग रही थी, और आवाज़ मेरी मर्दाना आवाज़ हो गई है ना, ऐसे मर्दों जैसी आवाज़ निकल रही है अजीब सी। यार मैंने ना अपना ना मुंह का टेस्ट सही करने के लिए माल्टे का जूस बना के पिया, मेरे से वो जूस ही ना पिया जाओ, इतना कड़वा। मैंने कहा बस माल्टे खराब है, माल्टे दिखाती हूँ आपको, कहते हैं इतने प्यारे माल्टे हैं, तुम्हें किधर से माल्टे खराब है, मैंने कहा खराब है माल्टे, कड़वा जूस है। अच्छा तो थोड़ा सा पी के जूस मैंने छोड़ दिया, रजाई में बैठो आप मत बीमार हो जाना। हाँ ये आपका स्कार्फ, सिपारे वाला स्कार्फ बनवाया था मैंने बच्चों का, दिखाओ ना, ये कारी साहब ने आना है ना पढ़ाने के लिए, तो सिपारे वाला स्कार्फ बना, शुक्र है तस्वीर बनविश अभी बची हुई है, अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, स्कूल भी जा रही है प्रॉपर, गंदा कर दिया ना नीचे गिरा के, चलो कमरे में रख कर आओ वापस, मेरे हाथ गंदे हैं मैं कैसे पहनाऊँ, तस्वीर से बोलो पहना दे। अच्छा फिर मैंने ना जूस छोड़ दिया, मैंने नहीं पिया क्योंकि इतना कड़वा लग रहा था, सेब काट के देखा सेब कड़वा, केला खाया केला कड़वा, अंडे उबले हुए लाया वकास वो भी कड़वे, ब्रेड खाई मैंने वो भी कड़वी। मेरी मम्मी कहती है तुम मलेरिया का टेस्ट करवा लो, तो मैं मलेरिया तो नहीं हो गया, मैंने कहा हमारे घर में मच्छर ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मेरा मुँह इतना कड़वा है कि मुझे बम्बई, मैंने कहा चलो बम्बई खा के देखती हूँ शायद मुँह का टेस्ट सही जाए, पर बम्बई भी कड़वी है, तो इतना मेरा मुँह का जायका कड़वा हो गया मुझे, और मुझे स्मेल भी नहीं आ रही इस चीज़ की। अब फनी बात ना, मैं कहीं गई हूँ, कहीं भी नहीं गई, मैं कितना अरसा हो गया, मैं मरी ही नहीं गई घूमने फिरने, घर में ही रहती हूँ सारा दिन, फिर भी देखें क्या हाल हो गया, इसको भी खांसी लगी हुई है। खाओ ना, मामा ने खा लिया आपका पड़ा हुआ, माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। अर्मिश किधर है, कितनी क्यूट लग रही है तस्वीर, माशाल्लाह। अर्मिश दिखाओ आपने पहना है स्कार्फ, पूरा फिनिश करना है, ओके गुड बेबी। अर्मिश भी आ गई है, कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह, वेरी गुड, दोनों प्यारी लग रही हो।
बिल्कुल बहने लग रही है दोनों। हाँ सच्ची, एक लग रहा है वकास ने स्काफ पहना हुआ है, एक लग रहा है इन्हें एस डब्ल्यू एम अख्ता ने स्काफ पहना हुआ है। उम्रे पे भी जाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे और हमने कुरान शरीफ भी पढ़ी। हाँ जी सच्ची में, हाँ जी सच्ची में। अच्छा ये देखें, ये ना मैंने कॉटन बड लिया है ना, और इससे मैं इसको साफ कर रही हूँ करके। बाकी तो सारा साफ हो गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, बस हल्का हल्का रह गया। पूरे इसमें चाय शाय हर चीज़ इसी में गिर गई थी, इसलिए शोरों से काम नहीं करवाती हैं बीवियाँ, समझ आई है आपको? एक काम करवाओ ना उनसे, यही मैं खुद हिल लेती, थोड़ा सा बुखार था, खैर कोई बात नहीं, पर इतनी तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब थी, होश नहीं थी कोई मुझे। अच्छा और जो यहाँ साइडों पर कचरा फंसता है उसको ऐसे टूथपिक से निकालती हूँ, ये पूरा निकल गया, वैसे चूल्हा साफ सुथरा हो गया। तो बकास इतना गंद मचाया है ना तस्वीर, चूल्हा कितना गंदा किया है, इसने भी चूल्हे पे चीजें उबाली हैं। माल्टे का जूस नहीं बना रही है, अभी आप बीमार हो, जब आप सही होगा फिर बनाऊंगी। चूल्हा हो गया साफ, अब मैं बिछाने लगी हूँ उसके ऊपर फॉइल। ओके भाई तो हमारी फॉइल चढ़ गई है, अब मैं आलू के कटलेट्स बनाती हूँ, फटाफट रोटियाँ बनाती हूँ, काम मुकाती हूँ, अंदर जाते हैं फिर हम कमरे में। बस मैंने इसमें ना एक प्याज चॉप की है और तीन हरी मिर्चें चॉप की है, प्याज भी ना आधी डाली है, प्याज बिल्कुल कम डाली है, उससे ना क्या होता है अगर प्याज ज़्यादा डालो ना तो फिर कटलेट्स क्रिस्पी नहीं बनते। और फिर आपको पता है बेसन से फ्राई करूँगी तो मुझे ठंड लगने स्टार्ट होगी बहुत शदीद वाली। और जो मेरा कटलेट्स वाला था ना जिससे मैं से प्रेस करके आलू को मैश कर लेती थी, मुझे वो भी नहीं मिल रहा, मेरा पता नहीं कहाँ है वो भी। तो बस अभी चूल्हा जलाती हूँ और थोड़ा सा आलू ठंडे हो जी। क्या मोबाइल? ओके भाई तो एज यूजुअल लाइट चली गई है, सर्दियों में भी लोड शेडिंग होने लग गई है पाकिस्तान में, वो भी जहाँ पे कभी लाइट जाती नहीं थी, जहाँ पे प्लॉट बेचते हैं कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है। खैर अभी मैंने ना रोटियाँ बेल के रखी हैं, मतलब चार रोटियाँ मैंने बेलनी हैं, और ये आटा देखा ना ऐसे काला काला सा हो गया, इसलिए वकासी वाला आटा नहीं लाते कि आटा ना काला हो जाता है, तो फिर मैंने नीचे नीचे से निकाल के ना वाइट वाइट सा बेला ताकि वकास रोटी खा लें। आलू बहुत ज़्यादा ठंडे थे, फ्रिज में रखे हुए थे तो मेरे से अभी मैश नहीं हो रहे, थोड़े से सॉफ्ट हो तो मैश करती हूँ। मैंने कहा चलो तब तक जो है रोटियां बना लेती हूँ, तब तक आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे। अब लाइट चली गई है, अब मैं मोबाइल ऑफ करूंगी यहाँ पे वीडियो, और साथ में जो है टॉर्च ऑन करके मोबाइल की रोटियां बनाऊंगी। अगर मैं बोलूंगा तो तुम्हारी ऑडियंस बोलती है कि एक दिन काम करना पड़ गया, तो आप ही को बातें सुना रहे हैं। तो मेरे से प्यार करती है, आप नहीं प्यार करते तो मतलब कोई भी नहीं करता, तो वही प्यार थोड़ा सा मुझे भी दिखा देते, मैं भी खुश हो जाता। हाँ भाई वकास ने काम किया, ये ना आपके लिए अनोखा होगा, मर्दों का काम करना लोगों के लिए नहीं है, 21वीं सदी चल रही है। हाँ वैसे मैंने कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन ऑडियंस ने बताया ये सब। हाँ जी शुक्र है पता चल गया आपको, वो दौर गया कि जब मर्दों का काम करना ऐब समझा जाता था। नहीं नहीं वो दौर तो बहुत अच्छा दौर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पता याद है, बताया जाता है खुद भी काम, लेकिन मर्द नहीं ना समझते, मर्द क्या, मर्द तो समझ जाता है जो ससुराल वाले होते हैं, तो शोर काम कर रहा था, जनानी थल्ले लग गया है, रन मुरीद है, सिंधी किताब पढ़ी है। याद है आपको कुछ भी नहीं सर? याद मैंने तन कर दी, तू करके देता था, जनानी ने भी करके देगा, ये भी करके देगा, बस ऐसा ही होता है। ओके भाई तो फटाफट से रोटियां बनाई हैं मैंने, कटलेट्स भी हो गए हैं आपके सामने ही। मैंने कटलेट्स ज़्यादा इसलिए बना लिए थे कि बच्चों को ना वो बना दूंगी सैंडविच ना, सैंडविच टोस्टर के अंदर, और बाकी खुद खा लेंगे रोटी। अब हाथ साहब को सुला के आई तो बला साहब को उल्टी आ रही है, इसको मैंने मना भी किया है कि नहीं खाओ अंडा, जबरदस्ती बनवा के कि मुझे अंडा ही खाना है हाफ फ्राई। अब हाथ उबला हुआ अंडा खा लेता, ये उबला हुआ अंडा भी नहीं खाता। रुकी उल्टी, फरमाइश प्रोग्राम इतना चल रहा है इसके, चाय बना के दो मुझे, ये बना के देखें कैसी होगी बेचारे की नजर, बता रही है मैंने इसकी बार बार, ये बता रही सालगिरह वाली वीडियो लगाई थी उससे नजर ना लग गई उसको, और चाय बना के दो मुझे गुड़ वाली। मामा घर की सफाई करो, घर इतना गंदा हुआ हुआ है। मैंने कहा आपको पता है ना मैं बीमार हूँ, आप चाहते हो मैं बीमार हो जाऊँ, तो कहता हाँ पर घर की सफाई करो, घर धो, चूल्हा साफ कर दिया मामा ने, और काउंटर किचन का नीचे फर्श नहीं साफ हुआ, फर्श का वहम लगा हुआ है इसको, फर्श साफ करो। रुकी उल्टी,
थोड़ी देर रेस्ट कर लो ना, मैं शूज उतार दो। तो रोटी बन गई है, वकास अंदर ले गए रोटी दही कटलेट्स काउंटर मैंने साफ कर दिया, चाय भी मैंने रख दी। मैंने कहा वकास से नहीं आज मैंने कोई काम करवाना भाई, तो चाय पकती रहेगी आग बिल्कुल। मैं इसकी डिम करने लगी हूँ, वैसे भी ना हमारा सिलेंडर ख़त्म होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कुकर का पूछ रहे थे सबके कितने का आया, ये कुकर जो है ना वो महंगा है, इसलिए मैंने नहीं लिया था। ये कुकर और वो नॉन स्टिक सेट के दोनों वकास ने खरीदे थे अपनी पेमेंट से, और ये कुकर आई थिंक 22,000 का लाया था वकास ने, और ये लेकिन साइज़ इसका बहुत बड़ा है। ये ना ऑटोमेटिक प्रेशर कुकर है, इसकी सीटी जो है ना वो इसको जब आप मीट पर कर देते हो ना, जब इसको निकलनी होगी स्टीम तो ऑटोमेटिक स्टीम निकालता है ये। सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसका ये ना, ये फटता नहीं है कुकर आपका। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना जल्दी खाना गलाता है, ये फुल स्टील में बना हुआ है। ये देखें इसकी जो बॉडी है, ये फुल इसमें बनी है स्टील में, अंदर से भी देख लें आप। और ये खाना इतनी जल्दी बनाता है कि मैंने इसमें यखनी बनाई थी और वो इतनी जल्दी बनी है यखनी कि पता नहीं 20-25 मिनट मुझे टोटल हुए थे या 30 मिनट, और इतनी देर में फुल रेडी हो चुकी थी। गोश्त ऐसा भोरा भोरा हो गया था बिल्कुल, वरना दूसरे प्रेशर कुकर में बनाओ ना, मुझे कन्फर्म नहीं है कि 30 मिनट हुए थे, क्योंकि लाइट गई हुई थी जब मैंने रखा था और लाइट आई नहीं थी जब मैं खोलने आई थी इसको, क्योंकि ना हमारी लाइट आधे घंटे के लिए जाती है, दिन में 3 दफ़ा जाती है और आधे आधे घंटे के लिए जाती है। तो अभी मैं लेने लगी हूँ दवाइयाँ अपनी, ये टेबलेट्स देखें ग्रीन कलर की होती हैं, और जो 80% जो काम करती है ना वेट लॉस में वो ये टेबलेट्स करती हैं, और बाकी समझना 10-20% ग्रीन वो जिनकी स्लिम टी है वो काम करती है। तो बस सिंपल रात के टाइम आपने जब आपने डिनर आपने लाजमी करना है, खाना कोई भी स्किप नहीं करना। हाँ आप लोग अगर फिर भी करना चाहते हो मीठे से परहेज करो, मैंने मीठा छोड़ा था, मीठा बिल्कुल खाना छोड़ दिया था, अभी भी नहीं खा रही मीठा। तो ये दो टेबलेट लेनी है आपने, कहाँ गिरे हो? अच्छा मैं देखती हूँ। अच्छा भाई तो टेबलेट मैंने ले ली है, देखें 100% नेचुरल टेबलेट्स हैं, आपके वेट लॉस को बूस्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करती है। अच्छा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा इवन गाल ब्लैडर भी नहीं है, फिर भी मुझे बहुत सूट की थी ये, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी भी कर रही हैं, और डाइजेस्ट हो जाती हैं आराम से निकली जाती हैं, टेस्ट भी कोई कड़वा छड़वा नहीं है। अच्छा पहले मैं दवाइयाँ लेती थी तो मुझे गुर्दे में दर्द होती थी, इससे मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो रिकमेंडेड है आप लोग ज़रूर इसको बाय करें, और जैसा मैंने आपको बताया कि 80% वर्क जो है वो टेबलेट करती है, बाकी 20% स्लिम टी का काम होता है। ओके भाई तो अपने लिए मैंने बनाई है यखनी, बच्चों के लिए बना रही नाश्ता। ये देखें आटा कैसा है, अभी जाएंगे दूसरा आटा लेकर आएंगे स्टोर से। इसकी रोटी नहीं खा रहा कोई शौक से, रात को बनाई थी मैंने, दो रोटी खाई गई, दो ऐसे टेस्टी बच गई हैं। तो इस वाले आटे के पराठे ऐसे मज़े के नहीं बनते, ऐसे बनते हैं ब्राउन ब्राउन से ना, इसका टेस्ट भी नहीं मज़े का, या पता नहीं बुखार की वजह से मेरे मुँह का टेस्ट सही नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मज़े के नहीं बनते इसके पराठे। तो बस मैंने अब ये रोटियाँ बेल के रख दी हैं और पराठे बनाती हूँ, सबके लिए बनाने लगी हूँ। तो देसी घी अभी ख़त्म हुआ है, फिर मैं अभी ये वाला यूज़ कर रही हूँ, मैंने घी वाला डब्बा भी लेके नहीं आया अभी तक जिसमें घी डाल के रखते हैं ना, क्योंकि जो पिछले घर का सारा सामान था वो मैंने सारा दे दिया 1-2 ऑल, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ना घी रखने का डब्बा, टाइम ही नहीं मिल पाता। चलिए मैं जल्दी पराठे बनाते हैं, शुक्र अभी तक चूल्हा साफ है, वकास साहब की मेहरबानी। अभी मैंने वीडियो बनाई थी चूल्हा बिल्कुल साफ है, अब देख लें ऐसे दूध डाला है कि दीवार पे भी दूध है चूल्हे पे भी दूध है, जान के करते हैं कि बेगम बोले तंग आके मैं खुद उबाल लूंगा, आप मेहरबानी सच बताना, जान करते हो ना, क्योंकि रोज रोज सेम चीज नहीं हो सकती बाय मिस्टेक। क्या बात क्या बात, क्या ये दीवार साफ है, जिस्मा तो पार दी गल जेड़ी साढ़े प्यार दी गल है, करता दिल तेरे नाई सजना एतबार दी गले, और मेरा गला बिल्कुल ही बंद है, गल की करा। अच्छा लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि आप ये जो ये ग्राउट पैन है क्या ये टाइल्स के ऊपर वर्क करता है वॉशरूम वाली, क्योंकि मोस्टली जो फ्लोरिंग ख़राब होती है ना वो वॉशरूम की ख़राब होती है, तो ये वर्क करता है। दूसरी चीज़ है कि ये वाटर प्रूफ है, मैं इसको खोल के ना आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ से आपने कपड़ा मार के पहले इस जगह को ना अच्छे से क्लीन करना है, और ये देखें थोड़ा सा मेहनत वाला काम है कि आपको एक लाइन को फिल करना पड़ता है, लेकिन
वर्थ है, मतलब कि आपकी जो मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है। ये देखें जो काला हुआ था ये भी फिल हो गया। ये दीवार है ना, यहाँ पे भी मैंने पेन मारा आपको दिखाने के लिए। अब देखें इसको आप इस तरीके से वाइट कर सकते हो, क्योंकि इसमें से जो ग्रॉट निकलता है ना वो इससे इसको प्रेस करने से निकलता है। आपने इसको प्रेस किया और जो इसकी निब है ना इसके अंदर ये भर दिया जो व्हाइटनर होता है इसका, और उसके बाद आपने इसको फिल कर दिया ऐसे। देखें जी अभी सूख गया है तो जो नीला नीला निशान था वो सारा निशान देख लें आपके सामने हट गया है। अब आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये वो वाला जिसमें अभी मैंने ग्राउट फिलिंग नहीं की है, पुरानी स्काउटिंग के लिए पुरानी ग्राउटिंग हुई है ये, और ये जो मैंने अभी इस वाइटनर से की है। तो जो लोग बोल रहे थे कि वॉशरूम की दीवारों पर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बस आपको एक दफ़ा इसका यूज़ समझ में आ जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आपने इसको जब ऐसे प्रेस करना है तब इसके अंदर से ऐसे ग्राउट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगाया है, फिर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि वाटर प्रूफ है कि नहीं। देख लें पानी गिरा रही हूँ, हटेगा नहीं यहाँ से क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। तो ना मैंने दराज से ये वाली टेप मंगवाई थी जो दीवारों पे ना प्यारी लगती है, तो अब ये मेरी टेप सही नहीं आई। ये देखें मतलब दराज से कभी चीज़ सही आती है, कभी नहीं सही आती है। अब ये जो टेप आती है ना ये बिल्कुल पतली सी आती है। अब ये मुझे, ये भी मैंने दरमियान से काटी है, पहले दो पीस किए हैं फिर चार पीस किए हैं, तो दराज से ना आपको ढूंढना पड़ता है कि चीज़ सही कहाँ से मिलती है। तो तब मैंने ये, मतलब मेरा दिल था कि मैं किचन के टाइलों के दरमियान में ना ये ऐसे बारीक से लगा दूँगी। अभी मैंने खुद कट कर कर कैंची से और ख़ुद लगाई है, मैंने पहले दो पीस किए फिर इसमें से चार पीस किए और फिर जाके लगाई है। मेरा दिल था क्योंकि ना इतने कट है नहीं है, एक वहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक उस कोने में भी एक पीस लग रहा है टाइल का। और फिर मैंने कहा था यहाँ पर लगा दूँगी आधी ऊपर आधी नीचे, तो अब ये इतनी मेहनत करनी पड़ रही मुझे। मैंने कहा इसको रिटर्न करती हूँ, दोबारा से किसी पेज से चेक करती हूँ कहीं से बारीक वाली मिल जाए मुझे। देखें ये वाली टेप है, अब मैंने मंगवाई जो थी ना उसकी पिक्चर भी बनी हुई है कि भाई मैंने ये मंगवाई है, ये वाली देखें, ये जो बिल्कुल बारीक बारीक सी है, ऑलरेडी बनी बनाई है बारीक सी, इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, तो बिल्कुल बारीक है। और इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, मल्टी कलर। अभी उन्होंने मुझे इतनी चौड़ी टेप भेजी है ये कि मैं इसको कट करती फिर चार चार पीसेज में, उसके बाद मैं इसको लगाऊँ, मैं इसको रिटर्न करूँगी और फिर सही वाली टेप अगर किसी से मिल गई पेज से तो आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। तो इस तरह ना ग्राउट का भी यही इशू है, किसी के पास सही है किसी के पास सही नहीं है। एक एक चीज़ की प्राइसेज भी आप देखोगे दराज पर डिफरेंट डिफरेंट होती है, और वो इसी वजह से होती है, कोई सही बेच रहा होता है कोई फेक बेच रहा होता है। इस पर्पज़ के लिए मंगवाया था, देखे ना ये जगह जगह पर जो हल्के हल्की सी लाइन है ना, मेरा दिल था यहाँ पर सिल्वर सिल्वर लगाऊँगी तो ये शाइन करेगा लाइट में जैसे किचन का शाइन कर रहा है। ये देखें आप किचन का आपको नजर आ रहा है कितना प्यारा शाइन कर रहा है, मैं आपको दूर से भी दिखाती हूँ। देखें तो मैंने इसी पर्पज़ के लिए लगाया था, मुझे पता था कि टाइल के अंदर ग्रे टच है तो ये बहुत हसीन लगेगा। जो बारीक वाली टेप होती है ना वो ये वाली होती है, इतने प्यारे प्यारे कलर्स में आती है, गोल्डन सिल्वर मल्टी कलर्स में, और लोग अपने फ्लोरिंग पे भी लगाते हैं, वॉल्स पे भी लगाते हैं, बहुत ही हसीन। ये सिलिकॉन ग्लिटर्स मिलती है जो आप ना टाइलों में फिल करते हो, बहुत ही प्यारी लगती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलती है। अगर आप चाहते हो ग्राउट ना करवाए तो ये करवा ले। मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए स्लिम टी, इसको मैंने बनाना, सब पैकिंग्स हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है यार, या चूल्हे पे बना लो, अगर बर्तन ज़्यादा भरना नहीं चाह रहे तो ओवन में रखो, पानी गर्म करो, एक से दो मिनट, एक मिनट इनफ होता है वैसे। अगर कप आपका बेयरेबल है, फटे वटेगा नहीं ओवन के अंदर, ओवन वाले कप होता है ना जैसे मैंने रखा हुआ है अभी, उसके बाद टी को डालो उसके अंदर और उसके बाद पी लो। और टेबलेट्स जो हैं वो रात को लेनी होती हैं सोने से पहले, लाइक आपने डिनर किया है और उसके एक डेढ़ घंटे बाद ले लिया, आपने दो टेबलेट्स लेनी होती हैं। नेचुरल वेट लॉस एक्सट्रैक्ट आपका बूस्ट करती है वेट लॉस, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करती है और डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसमें हार्मफुल चीज़ नहीं है। यहाँ पर देख लें इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं तो साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका कोई भी। और ये जो टैबलेट्स है ना ये आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है ओवर द काउंटर। मेडिकल स्टोर से मैं इसलिए आपको नहीं बोलती के लिए क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल रहा होता ना, जो प्राइस पर लिखी है आपको वही मिलेगी। तो जो इनका ऑफिशियल पेज है, जो इनका ऑफिशियल लिंक है, वहाँ से लेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, लाइक स्लिम टी का बॉक्स फ्री है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं साथ में इसके। तो मेरा तो कप हो गया है सही गरम, सही गरम हो गया है। ओके अभी हम इसके अंदर डालते हैं अपना टी बैग, ये वाला खोल के इसको, जी ये खुल गया और ये इसमें डाल दिया हमने। इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करते हैं और इसको पी लेते हैं। ठीक है, आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हो फॉर टेस्ट, मैं चीनी नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए बगैर चीनी के भी। काफ़ी लोग होते हैं वो बोलते हैं टेस्ट नहीं अच्छा, तो भाई टेस्ट के लिए तो ले नहीं रहे, इसलिए ले रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो, डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, इसके अलावा वेट भी आपका मेंटेन रहे। अभी तो हमारी टी जो है वो थोड़ी सी पीने काबिल हो गई, मतलब थोड़ी सी ठंडी हो गई। आपने देखा जो उसके जर रहे हैं वो नीचे बैठ गए, तो उसको छानने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मैं इसको एज इट इज पीने लगी हूँ।
कैमरा जैसे सही से पकड़ती हूँ, दिखाना इसलिए ज़रूरी ना, लोग कहते हैं खुद नहीं पीते, भाई खुद पीते हैं इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं। कोका कोला नहीं है कसम से, कॉफ़ी ये देखें पेनाडोल भी पड़ी है पीछे, बच्चों को भी दे रही हूँ, बच्चे बीमार हैं, पूरा घर बीमार है, आपको आई से नज़र आ रहा होगा मेरी। अब बिल्कुल जो एंड में पाउडर वाला वो है ना वो बचा है, अब इसमें से सिर्फ एक घूंट लूंगी और नीचे से वो पाउडर रह जाएगा। अब ऑब्वियसली वो तो पीऊंगी नहीं, उसको पीऊंगी तो उल्टी आ जाएगी। ये देखें बिल्कुल जो पाउडर रह गया था बस वो छोड़ दिया है मैंने, बाकी सारी पी गई। अब थोड़ी देर रजाइम होगा कि लेटूंगी। तो मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सारी दुआएं और प्यार देने के लिए, इतना पूछने के लिए, थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे इंस्टाग्राम पे, मैं कल उनका जवाब व्लॉग में दूंगी। इसके अलावा बलाज माशाल्लाह थोड़ा बेहतर है अभी, अब आज भी माशाल्लाह थोड़ा बेहतर है। वकास को बहुत शदीद बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत शदीद, और उनकी तबीयत नहीं सही है। बाकी अरमिश तस्वीर माशाल्लाह बेटर है। मेरा अभी गला ख़राब है, थकावट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और बुखार उतर गया, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगी। बाकी ये कि न्यूट्राइट के ऊपर जो सेल वगैरह लगी हुई है, जो उनका डिस्काउंट लगा हुआ है, उसका लिंक लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर लेना। और व्हाट्सअप नंबर भी लगाऊंगी तो उनसे डिटेल्स वगैरह भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और बस ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।